वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड। आज हम बात करने वाला हूँ हम्पी के बारे में कि अगर आप हम्पी घूमना जाना चाहते हैं तो कितना खर्चा आ सकता है 4 दिन और 3 रात का। और इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि खाने का खर्चा कितना आ सकता है 4 दिन का, और रहने के लिए 3 दिन का होटल कॉस्ट कितना आ सकता है, और वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ पर कौन कौन से प्लेस हैं घूमने के लिए हम्पी में। तो ये बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, नए हैं मेहमान तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा देना। अब बात करते हैं यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस, हम्पी में कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस हैं। तो टूरिस्ट प्लेस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला है विजय विट्ठल मंदिर, वीरूपाक्ष मंदिर, हम्पी बाज़ार, आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम, यंत्रोद्धारक हनुमान मंदिर, यंत्रोद्धारक भी बोल सकते हैं, प्रसन्न वीरूपाक्ष मंदिर, हेमकूट पहाड़ी मंदिर, उसके बाद आखिरी है कृष्ण मंदिर। ये सभी जगह हैं जहां पर आप जाके हम्पी में घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और इसकी जो कॉस्ट आने वाली है, जो खर्चा आने वाला है, वो है कितना आ सकता है, सब चीज़ें अभी आगे बताते हैं। अभी ये सब कवर करने में आपका 3-4 दिन इजीली बीत जाएगा। ये टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर आप जाके घूम सकते हैं, और भी टूरिस्ट प्लेस हैं लेकिन आप अगर समय मिलता है तो और भी आप रिसर्च करके जा सकते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं सीधे होटल के बारे में। तो देखो होटल कितने तक का मिल जाएगा हम्पी में, ऐसे जी हम बताने वाले हैं। लेकिन जो एक अनुमानित और हमने जो पता किया ऑनलाइन देखा, एक तो ऑफलाइन आप होटल बुक कर सकते हो, दूसरा कि आप ऑनलाइन होटल बुक कर सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन जो कंपेयर करने के बाद यह है कि 800 रुपये से लेकर 1500 रुपये के आसपास में आपको होटल मिल जाता है एक रात के घूमने के लिए। अब हम बात करते हैं कि एक एग्ज़ाम्पल देखा जाए तो आपको 1000 रुपये का अनुमान लेकर चलना चाहिए कि 1000 में हमको एक रात के लिए एक लोग के लिए होटल मिल जाएगा। ये पूरी कॉस्ट में बताने वाला हूँ, जो ये मैं ट्रेवल कॉस्ट बता रहा हूँ ये एक लोग के लिए मैं बता रहा हूँ 4 दिन 3 रात के लिए। तो 1000 हम मान के चलते हैं, यानी 3 रात का हमारा सीधे 3000 रुपये हो जाता है होटल का। मैं आपको बताऊंगा जब कभी भी आप होटल कहीं भी जा रहे हैं या फिर ये बुक करना चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट करें, हम आपको बताएंगे कि कहाँ से आपको सस्ता सस्ता होटल मिल सकता है, और कोई वेबसाइट्स होगी जिस पे ऑफ़र होगा वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो मेरे से कांटेक्ट करने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9918191220, ये आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं अपडेट कर दूंगा। अब हम आगे बात करते हैं होटल का, तो हो गया 3000 रुपये यानी 3 रात का। अब हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट यानी खाने के बारे में। खाने के बारे में सुबह सुबह जानते ही हैं सब लोग, चाय नाश्ता कॉफ़ी जो भी पीते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, चाहे ब्रेड ऑमलेट खाएं या फिर आलू पराठा, ये सब कुछ भी खाते हैं तो वो इजीली आपका 100 रुपये के अंदर कवर हो जाएगा। यानी कि 10-20 रुपये का चाय हो जाता है, उसके बाद पराठा वराठा आपका 30-40-50 रुपये में हो जाएगा, और भी कुछ चीज़ें अगर खाते हैं तो अलग से, मतलब 100 रुपये के अंदर में आपका ब्रेकफास्ट अच्छा हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग होते हैं भाई कॉफ़ी के शौकीन, तो कॉफ़ी भी 50-60 रुपये मिल जाएगा, लेकिन अच्छे हाई क्वालिटी के अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो आपका भाई जेबा कट जाएगा, उससे अच्छा है जो आपका कॉफ़ी वो 100 रुपये से आ जाएगी। तो कहने का मतलब सब लोग का एक अलग अलग विचार, अलग अलग सोच और अलग अलग खाने पीने के तरीके होते हैं। अब बहुत जगह ऐसे होते हैं कि आप बाहर निकलो अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में, सस्ते रेस्टोरेंट में आपको अच्छी क्वालिटी का सब चीज़ें मिलती हैं, तो वो आप थोड़ा सा पता करेंगे तब मालूम होगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि ब्रेकफास्ट हमारा 4 दिन का हो गया सीधे 400 रुपये, 100 रुपये एक दिन का ब्रेकफास्ट का आता है। अब हम आगे बात करते हैं लंच के बारे में। लंच यानी कि हमारा दोपहर का खाना। अब दोपहर का खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोपहर के खाने में जाहिर सी बात है सब लोग कोई नॉनवेज खाता है, कोई वेज खाता है, कुछ लोग अपने हिसाब से खाते हैं। तो कहने का मतलब आप नॉर्मल खाना खाते हैं तो आपका जो कॉस्ट आता है खाने पीने का दोपहर का, वो आपका इजीली 200 रुपये में हो जाएगा। अगर आप कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करते जाएंगे अपने खाने में तो वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन 200 रुपये में आप पेट भर के खाना खा सकते हैं। थोड़ा बाहर निकलिए, सस्ता अच्छा रेस्टोरेंट आप खोजिए जिसमें खाना अच्छा मिलता है, वो आपका आराम से ईजिली हो जाएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं डिनर। डिनर भी हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण भाग है, मतलब कहने का खाने का जो रात का समय होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो डिनर का खर्चा कितना आ सकता है, वो भी आपका आराम से इजीली 200 रुपये में आपका आ जाएगा। मतलब कहने का हमारा ब्रेकफास्ट 100 रुपये, डिनर 200 रुपये, लंच 200 रुपये, यानी 500 रुपये खाने का एक दिन का आ रहा है खर्चा, ठीक। अब हम बात कर देंगे ट्रेवल कॉस्ट।
हम्पी में घूमने का ट्रेवल कॉस्ट कितना है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेवल कॉस्ट क्या होता है, मतलब कि जैसे हम ये जो मैं बता रहा हूँ, जब आप हम्पी में आ जाते हैं तब पर मैं खर्चा बता रहा हूँ। हम्पी में आने के बाद जैसे आप किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो उसको जहाँ पर जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, तो उसके लिए हम या तो बस प्राइवेट जो बस शेयरिंग में आता है वो मैं लूँगा, या फिर प्राइवेट टैक्सी जो शेयरिंग में होगा उसको मैं ले सकता हूँ, कोई जीप आता है, मतलब तो बहुत सारे ऑप्शन से हम जहाँ पर प्राइवेट में जाके मतलब कुछ पैसे देकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। तो वो लोकल भी गाड़ियाँ होती हैं जो चलती हैं प्राइवेट में, ठीक है। वहाँ पर भी आप जैसे आप हम भी पहुँच जाएंगे, आप पूछेंगे, आप जहाँ भी ठहरे हैं तो वो आपको इजीली गाइड कर देंगे कि आपको कहाँ से बस कितने बजे, या फिर जीप या फिर टैक्सी आपको कितने बजे मिल जाएगा, सब चीज़ें आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हो गया कि इसकी कॉस्ट कितनी आएगी। इसकी जो कॉस्ट आती है वो आपकी आती है 3500 रुपये। ये पैसे 3500 रुपये जो है ये और घट और बढ़ सकते हैं, मतलब ये कोई फिक्स नहीं है कि इतना ही रहेगा। अब हम बात करते हैं कि हमारा ये हो गया ट्रेवल कॉस्ट 3500 रुपये, हमने खाने का बता दिया, होटल का बता दिया। अब हम टोटल कॉस्ट देखेंगे कितना आ रहा है, ठीक है। तो कुल खर्चा हम देखेंगे, देखो खाने का जो हमने बताया आपको कि खाने का खर्चा कितना है वो आया है 2000 रुपये, ठीक है। 2000 रुपये खाने का खर्चा आ गया है। उसके बाद ट्रेवल कॉस्ट जो आप घूमेंगे उसकी जो ट्रेवल कॉस्ट है वो 3500 रुपये है, ठीक। और उसके बाद आपका होटल का आ जाएगा 3000 रुपये। 1000 रुपये हम मान के चले थे कि एक रात का 1000 रुपये लगेंगे, कोई नो डाउट उतना हो जाएगा, ठीक। अब टोटल यहाँ पर देखो 2000 रुपये खाने का, ट्रेवल कॉस्ट 3500 रुपये, और उसके बाद हमारा होटल का आ गया 3000 रुपये। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा आपको इजीली दिख गया होगा, ये देखो 8500 रुपये हमारे घूमने का कॉस्ट आता है हम्पी में। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हम आपको बताने वाले हैं, इसको आप एग्जैक्ट प्राइस मत समझना, ये पैसे घट भी सकते हैं बढ़ भी सकते हैं, डिपेंड कर रहा है कि आप अपने ट्रिप को किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। हम्पी में याद रखें, हम्पी में जो भी ट्रिप कर रहे हैं, जैसे हमने बताया कि 8500 रुपये के आसपास में खर्चा आएगा, तो आप मान के चलो 15 से 20 हज़ार रुपये लेकर चलोगे, तब आप एक अच्छा ट्रिप कर सकते हो, बचा रहेगा पैसा, आपके काम आएगा। लेकिन बजट में बताऊँ तो आप 4 दिन और 3 रात के लिए कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये लेकर जाएँ, पैसा रहेगा आपके ही काम आएगा। तो ये तो है ट्रिप का। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कभी भी कहीं भी आप ट्रिप कर रहे हो तो याद रखना, आप बाहर निकल के मार्केट में रेस्टोरेंट थोड़ा सा खोज सकते हैं, वहाँ पर अच्छे अच्छे सस्ते से खाने मिल जाते हैं, अच्छे क्वालिटी के, मैं बात कर रहा हूँ जब आप किसी भी जगह पे आप रुके हो। होटल थोड़ा सा आप देखिए, ऑनलाइन सर्च करिए, ऑफलाइन में भी देख लीजिए। उसके बाद ट्रैवल कॉस्ट कोशिश करें कि अकेले हैं तो थोड़ा सा आप प्राइवेट व्हीकल लेने की कोशिश करें, एकदम रिजर्व मत कर लो, शेयरिंग में जाओ। तो ये सब चीज़ें क्या होता है, आपको थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आपका अच्छे से काम हो जाए। बाकी बताओ वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।